नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जो मैंने 29 अगस्त को ली थी, जो कि नेपाल सिंह जी की आईडी ब्लॉक होने के 3 दिन बाद की ऑडियो है। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है। एक बार ज़रा सुनिएगा इस ऑडियो में क्या बातचीत हुई है मेरी किसी के साथ। तो उनकी ऑडियो सुनाते हैं आपको, बाकी 2-3 घंटे में एक वीडियो में और दूंगा। तो सुनते हैं ये ऑडियो। कैसे हैं? सोशल एडवर्ट में आपकी 45 की थी नजर? हाँ सर, मेरी 45 सौ की टीम है। और जब पहला मैं ज्वाइन हुआ था तो आपका ऑडियो ही सुन के ज्वाइन किया था, और वो ऑडियो मैं बहुत अच्छे से रखता था। तो सबसे तो पहले आपका ऑडियो ही देखता था, मुझे याद है जहाँ तक। फिर उन्होंने अपना पेपर के नाम पे कुछ डिटेक्ट किए, वो भी चलिए ठीक था। फिर मतलब कई जगह उन लोगों ने मतलब हम लोगों का बैलेंस अमाउंट से टी शर्ट का भी डाउन लगाए, फिर करंट अमाउंट में पैसा दिए एक तारीख से। ये सर थोड़ा बार बार प्लान चेंज होता है, तो जिस पर बताओ तो अगले सामने से वो बंदा सोचता है यार अभी लोगों ने शायद मुझको गलत बताया। जी, ये वजह से बहुत फर्क पड़ा। और अब ये मतलब समझ लीजिए किस चीज को गाइड कर देता हूँ, ये ज्वाइनिंग उसमें लगा दिया। ओके, तो ये जो प्रोग्राम आप बोल रहे हो सर, ये आपका अपना प्रोग्राम है या वैसे ही कोई आप डिस्कस कर रहे हैं, या आपका कोई रोल है सर इस प्रोग्राम में? सर मेरा प्रोग्राम मतलब ये अपना नहीं है जी। तो इनके मतलब यंगी है जी, मेरा समझ लीजिए अभी रिलेशन हो गया है इसमें, और बातचीत होती है, और प्लान भी सर बहुत अच्छा है। और जब से इनका प्लान भी प्लान 24 मार्च को आया है, मैं लेट में थोड़ा जाना। मेरे पास इस प्रोग्राम के लिए सर करीब कट गया था। मेरे पास भी 15 से काफी कॉल आ रही है इस प्रोग्राम को लेकर कि सर आप वीडियो बनाओ, तो उसके लिए आ रही है। अभी किसी और ने भी भेजा था, 2-3 लोगों ने भेजा था कि सर आपको इसमें आईडी जी। अरविंद मेरा सोशल एडवर्ड में भी मेरे डाउनलाइन में बंदा है, और इसमें भी है वो जी जी। उसने भी शायद किया होगा, क्योंकि मैं बोला था आपका नाम लेते मतलब बहुत अच्छा है और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, तो शायद बात किया होगा अरविंद ने आपसे जी जी। प्रोग्राम तो चलिए आपने भेजा है, 8 मिनट की ऑडियो है, मैं सुन लूंगा। इतना तो देखा था मैंने, 8 मिनट की ऑडियो थी, बाकी पीडीएफ फाइल भी आपने भेजी थी। तो अभी मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था सबके, तो उसमें इतना तो मैंने देख लिया था, बाकी रात को मैं एक बार देख लूंगा सर। बड़ा है प्लान, लेकिन आपने कोई अच्छा प्लान भी आप एक बार देखेंगे तो वो सब प्लान आपको क्लियर हो जाएगा सर। मतलब मेरी मतलब 3 से 5 भी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक बार करिए, मेरी बहुत चाहत है। आवाज थोड़ी सी थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो थोड़ी सी आवाज धीरे आ रही है सर। हाँ, थोड़ी सी आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे सर। मैं सर ये आप बिल्कुल सही आ रही है आवाज, आप बिल्कुल सही आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मैं क्या बोल रहा था सर, एक बार मतलब बहुत अच्छा वीडियो सुना हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सर प्लान जेन्युइन है, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए मतलब आप जरूरत सोच लीजिए, हिम्मत या कुछ भी जो भी आप सोच लीजिए वो मैंने किया। आपका जितना भी मैंने देखा है जो है वो जेन्युइन है, और सफल एडवर्ड ने अपना प्लानिंग भी चेंज किया, उसकी वजह से जो भी हुआ, लेकिन बाकी आपने जितने भी प्रमोशन किए हैं वो सफल जेन्युइन है। वो सब सोशल एडवर्ड पे आप इतने जैसे है वो सब प्लान चेंज किए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी वो भी मैंने एक आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने लिखा था सोशल एडवर्ड ने भी छोड़ दिया, उसने आपको लेट लिखा, तो वो सब चीज से सर मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार सर आप प्रयास का भी करें, और इनके एमडी को भी अगर सर आप बात करेंगे तो मतलब जो वो बंदा वो जो बोलता है वो बंदा करता है। 24 मार्च है, स्वास्थ्य है, ज्यादा तो नहीं चलता है सोशल एडवर्ड इतना, लेकिन सर जो भी है एकदम रियल है। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बार बार इनका प्लान चेंज हो, बार बार कुछ और लेके चले आए, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, तो
ठीक है सर, आज मैं रात को देखता हूँ, फिर एक आध दिन दीजिए मेरे को, फिर मैं परसों आपको बताता हूँ, ठीक है सर। सर वैसे आप मतलब रहने वाले कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ सर। अच्छा अच्छा जी, आप सर अंकित राजीव शर्मा जी आपको बहुत याद करते रहते अपने ऑडियो में। कहाँ सुनते हैं उनके ऑडियो? आप थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में है क्या? हाँ हाँ, मुझे थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में नहीं हो, लेकिन जो थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप उन लोगों ने अलग ग्रुप बनाया उसमें मुझे ऐड कर रखा है उन लोगों ने, वो सब सर सुनने को मिल ही जाता है। अच्छा, मतलब याद करते हैं किस सेंस में, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे नहीं, वो आपने कुछ मतलब एक बार मिशन करोड़पति थे जो कुछ बोला था तो बोल रहे थे उनकी आवाज बहुत दबी है, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि 21 तारीख से मैं उनको दिखा दूंगा उसी सब बात। हाँ सर, बोला जो बंदा सही बोल रहा है दिखा क्या दे रहे। मैंने भी सर बहुत पूछते किया था थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मैं उनसे सवाल किया था थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में सबसे, जो सर ये बैलेंस अमाउंट पे अपने फुटबॉल या हम लोगों ने टी शर्ट का 4 महीने हम लोगों को घुमाया गया, उसके बाद हमको टी शर्ट ना देखे, उसके बाद हमको पैसा दे रहे हैं, तो आप करंट अमाउंट में क्यों दे रहे हैं? उसके एमडी का ये हुआ था कि हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो करंट अमाउंट में होता है, तो ठीक है करंट अमाउंट में होता है, लेकिन जब फेक फेक वर्क देख के आप लोगों ने हमारा पैसा काटा था बैलेंस अमाउंट पैसा डिडक्ट किया, और जो हम बैंक में विड्रॉल लगा चुके थे वहाँ पे आपने डिडक्ट किया, तो फिर आपका करंट कैलकुलेशन में सब कुछ कैसे चल रहा है? उसका जवाब मुझे दीजिए, तो जवाब ही नहीं दे पाए। अच्छा, अभी आपका कितना डॉलर बन रहा है सर उसका का सोशल एडवर्ड में? सर मैं क्या बताऊँ, अभी $1 बन रहा है मेरा, $1 4500 की टीम होने के बावजूद। ओके, तो उनको समझाना आजकल तो रूल भी उन्होंने टाइट कर दिया है ना सर, अगर आप कोई दूसरा प्लान करेंगे तो आईडी ब्लॉक होनी शुरू हो गई है आजकल, बताया आपको अभी एक आईडी ब्लॉक हुई है किसी खास बंदे की? मैं तो सर खुला बोला था उनको, नेगी जी है शायद आप जानते भी हैं। हाँ हाँ, नेगी जी, हाँ जी सर, लेवल चीज में आपके अप्लाई नहीं क्या सर? खुल्लम खुल्ला बोल दिया था आज, मतलब मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि अगर आप मेरी आईडी ब्लॉक करना चाहें तो आप कर दीजिए, लेकिन जो सही बात है वो मैं बोलूंगा। करवा दें सर आपकी आईडी ब्लॉक? नहीं हुई सर ब्लॉक। नहीं करवा दें आपका हो तो, आपका आपका हुक्म हो तो करवा दें सर, आपकी मर्जी। देखिए अभी अगर आपका हुक्म हो तो बोलिए करवा दे, कंपनी करेगी नहीं करेगी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा है अभी, अभी आपका नाम नहीं पूछा है, वाइफ तो रिकॉर्ड होती है आजकल फोनों में, अगर आप कहो तो करवा दे, आपका नाम नहीं पूछा है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहो ग्रुप में डाल दूं, थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में, अगर आपकी इजाजत हो तो, आपका नाम नहीं लिया है ना आप नाम बोलना, अगर कहो तो आपकी बात मैं ग्रुप में डाल दूं, अगर आप कहो तो, नाम आपका ना लिया है ना आप ना, ना नाम आपने बोलना है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहिए मैं ग्रुप में डाल दूं, आपने नाम नहीं बोला है ठीक है ना, नाम जो बोला था वो अलग थी, वो व्हाट्सएप कॉल थी, अगर आप कहो तो मैं थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में डाल दूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक हो भी जाएगी कौन सा डॉलर तो आता नहीं। देखिए सर, कितनों की ब्लॉक हो जाएगी मैं बात कर रहा हूँ, अभी शायद आपको पता नहीं है सर, अभी नेपाल सिंह जी का नाम तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, नेपाल सिंह। हाँ हाँ, जिनकी सबसे बड़ा पेआउट हम लोग दिखाते थे, मैं भी अपने वीडियो में दिखाता था, उनकी आईडी अभी 3 दिन पहले से ब्लॉक कर दी है, उनकी आईडी, हाँ उनकी आईडी, उनकी आईडी अभी 3 दिन पहले ब्लॉक कर दी है, वो यूट्यूब पे कुछ अपना दूसरे प्लान का प्रमोशन कर रहे थे, तो उनकी आईडी ब्लॉक कर दी है सर 3 दिन पहले। अच्छा, लेकिन सर आपका जो इतना प्रमोशन आता है, आपने तो पहले जब सोशल एडवर्ड ज्वाइन किया उसके बाद बायनान का प्रमोशन किया, और आपने बोला भी ये मेरा सोशल एडवर्ड का जो है, मतलब सोशल एडवर्ड नहीं है, ये मेरा ऑनलाइन चैनल है, नहीं मेरा क्या होगा ये तो सर वक्त बताएगा कि मेरी भी आईडी ब्लॉक होगी या नहीं होगी, ये तो एक आने वाला वक्त बताएगा ठीक है ना, लेकिन नेपाल जी की आईडी ब्लॉक कर दी इन्होंने सर, नेपाल जी की आईडी ब्लॉक कर दी क्योंकि उन्होंने कोई दूसरा प्लान प्रमोट किया था। जी तो
ठीक है सर, मैं देखता हूँ आज रात को सर, और कल का टाइम दीजिए, परसों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर जी। तो अभी आपका नाम नहीं लिया है, मैं डाल दूँ ऑडियो करने वाला चीवे ग्रुप में सर? डाल दीजिए। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, मैं बुरा किसी का भी नहीं चाहता, और अगर मैं किसी किसी के लिए भी बुरा बोलता हूँ ना सर, देखिए नेपाल जी की आईडी जो ब्लॉक हुई, मैं उससे खुश नहीं, मतलब मैं खुश नहीं। अगर अगर कोई कुछ करता है, एक बार बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, आपको जो प्रॉब्लम है उससे, उसको जो प्रॉब्लम है आपसे, एक बार खुल के बात होनी चाहिए, फिर ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है ना। अचानक मैं उनकी आईडी से ब्लॉक होने से खुश नहीं हूँ, तो मैं कई बार निगेटिव बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि चलो कुछ अच्छा हो जाए, किसी का भी बुरा ना हो। तो आईडी आपकी भी ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि कौन मुझसे बात कर रहा है, ये नाम तो आपने लिया ही नहीं है इसमें। तो आपकी इजाजत है मैं खड़े ग्रुप में डाल दूँ सर? सर सर जी आप डाल दीजिएगा, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक सवाल जेन्युइन सवाल मैं करूँगा जी जी। तो मान लीजिए ठीक है, मेरी जो सोशल नेटवर्क की टीम है, मेरा ग्रुप है, आप किसी का भी नाम मत लीजिएगा इस ऑडियो में, ठीक है सर, किसी का भी नाम मत लीजिएगा। नहीं नाम नहीं ले रहा हूँ सर जी। मान लीजिए मेरा ग्रुप है, मैं उस व्यक्ति को सोशल नेटवर्क का प्रमोशन करता हूँ, अगर मैंने ग्रुप बनाया है, मैं काम कर रहा हूँ, हाँ वहाँ पे मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, अब उसमें आके मैं अगर निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ कुछ, तो मेरे हिसाब से तो ब्लॉक होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं होनी चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं। 90% लोग आज के इसमें 90 नहीं सर, आप कम बोल गए, 99% लोग करते हैं, 98% लोग करते हैं सर, जो नेटवर्कर है, जो नेटवर्कर है, जो नए बच्चे आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, जिनका भी एमएलएम में शुरुआत है, उनका तो नहीं कह सकता, लेकिन जो एमएलएम लीडर्स हैं वो 98% करते हैं, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो चोर नहीं है। जी सर, अब मान लीजिए सर सोशल नेटवर्क नहीं आया था, पहले तो हम दूसरा प्लान कर रहे थे, सोशल नेटवर्क को कौन देना। देखिए सर, देखिए सर, एमबे में कौन लोग कामयाब हुए, जो जॉब करते थे, जो जॉब नहीं करते थे वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि किसी भी आप एक प्लान में करते हैं तो शुरू में आपका घर उस प्लान से नहीं चलता, उससे पहले आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप दूसरा प्लान करते हैं, अकेले चाहे सोशल एडवर्ट हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, इनिशियल स्टेज में करेंगे उससे आपका घर नहीं चलेगा, साथ में कुछ आप करते हैं, हाँ लेकिन जिस जगह आप करते हैं वहाँ लाखों तक पहुँच जाते हैं, एक अच्छी अर्निंग करने लगते हैं, तो आपको दूसरा प्लान करने की जरूरत भी नहीं पड़ती सर। ये तो है ना सर, तो ठीक है सर, मैं आपसे कल आज का दिन दीजिए, कल मैं देखता हूँ, परसों मैं आपसे बात करता हूँ सर, ठीक है सर। और मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज अपना जहाँ पे आपने प्लान भेजा है वहाँ नाम भेज दीजिएगा सर, मैं आपके नाम से एंट्री सेव कर लूँ, ठीक है, वहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है सर। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने इनका प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन अब जो भी आएगा वो मैं करूंगा, जो अच्छा लगेगा और जो मेरे भाई कहेंगे कि करने को, तो वो अब मैं करूंगा। Maybe.